हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मलेशिया से और हम लोग है केएल टावर के पास। केएल टावर के अंदर जा रहे हैं अभी हम लोग। हेलो गाइस, मैं चाइनीज बन के घूम रही हूं। तो अभी हमारा स्काई वॉक और ऑब्जर्वेशन डेक एंड स्काई बॉक्स है, तो वो हम करेंगे। अभी हम लोग शायद अंदर आ चुके हैं, नहीं तो अंदर जाएंगे। सो लेट्स सी, अभी अंदर चलते हैं। अभी आप लोग अंदर है, यहाँ पे आइसक्रीम मिल रहा है और यहाँ पे कॉफी मिल रहा है एंड ये एक बड़ा सा टर्फ टाइप बनाया हुआ है ग्रास लगा के। कि हम लोग केएल टावर के अंदर आए हैं यानी, एंड धूप तो बहुत है लेकिन उतना भी नहीं है इंडिया जैसा। ये सब लोग अंदर है तो अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन डेक जाएंगे, वो भी चेकआउट करते हैं। चलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्काई ऑब्जर्वेशन डेक 2016 और हमारा क्या है 3 1058 एंड 2024। तो ये है पेट्रोनस ट्विन टावर और हम लोग केएल टावर में है अभी फिलहाल। ये है सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग। ये ऑफिसर्स के लिए अभी ओपन हुआ था दिसंबर में और ये अभी टूरिस्ट के लिए होगा जल्दी ही ओपन, और उसके अंदर एक होटल भी रहेगा। और ये पेट्रोनस ट्विन टावर, तो ये पूरा एक सर्कुलर बना दिया इन्होंने, तो यहाँ पे घूम सकते हैं। वैसे धूप तो है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। कैसा लग रहा है? ये यहाँ पे स्काई बॉक्स है, इसके अंदर हम जा सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐसे फोटो खिंचा सकते हैं। ऐसे सर्कुलर है, ज़्यादा कुछ नहीं। और हमारे हमने स्काई वॉक भी लिया है, तो जैसे दुबई में था स्काई वॉक तो वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा कम हाइट पे है। तो ये जो केएल टावर है, मैंने यहाँ पे सुना है कि इट ऑल्सो हैज़ अ रोटेटिंग रेस्टोरेंट। तो अब पता नहीं मेरे को, मैंने सुना है ऐसा। सो अगर होगा तो वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या है। एंड यहाँ पे पेट्रोनस ट्विन टावर मस्त, कल हमने रात में देखा था और कल रात में 1:30 को बंद हो जाते शायद से इसके लाइट्स, तो फिर तभी लाइट्स बंद थे। हमारा अगला लोकेशन होने वाला है KLCC एक्वेरियम। सो जहाँ तक मैंने फोटोज़ देखे, इट इज़ सिमिलर टू दुबई एक्वेरियम जो है दुबई मॉल में, तो उधर भी जाएंगे ग्रैब करके। यहाँ पे ग्रैब हर जगह चलता है, कि अगर आपका छोटा सा डिस्टेंस हो 0.5 किलोमीटर तो भी चलता है, लंबा डिस्टेंस हो तो भी चलता है। इंडिया में जैसे कि ऊबर अगर 1 किलोमीटर के लिए कोई कोई लेते ही नहीं है तो कोई कोई ले लेते हैं इसके लिए। अभी हमारा स्काई बॉक्स में नंबर आने ही वाला है, देखते हैं कब तक आता है। तो गाइस, ये प्रॉब्ली ऑब्जर्वेशन डेक नहीं है, ऑब्जर्वेशन डेक एसी के अंदर है शायद। सो गर्मी बहुत हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा, फ़ोन भी गर्म हो गया है। और यहाँ पे टाइमर है, लाइक 40-50 सेकेंड्स उतना मिलता है आपको, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। तो वो भीड़ पे भी डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा भीड़ होगा तो 30 सेकेंड्स, कम भीड़ होगा तो वैसे। सो लेट्स सी, अभी हम लोग जाएंगे।
गाइज कुआलालंपुर में जो एयरपोर्ट है वो 60 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से। ये बड़ी अजीब बात है वैसे, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग जहाँ पे कवर किए एयरपोर्ट सेंटर में तो नहीं होता है, लेकिन आसपास होता है सिटी के। दुबई में भी पास में ही था स्काई बॉक्स वन, इधर भी हमारे शायद से टिकट है तो इधर भी चलते। ये है ऑब्जर्वेशन डेक, तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगा दिया है, इसके पीछे लग जाएगा फोटो और फिर हो गया। ये सुविनियर, यहाँ पे सुविनियर ले लेते हम लोग। और ऑब्जर्वेशन डेक इसी के अंदर है जैसे मैंने कहा, और वो टेलीस्कोप्स है मैग्नीफाई, तो वहाँ से हम लोग ले सकते हैं, चेक करते मेरा सुविनियर्स। तो गाइस यहाँ पे एक टेलीस्कोप टाइप लगाया हुआ है जो हम लोग देख सकते हैं, लाइक इसका बहुत अच्छा जूम है, मतलब एकदम कार भी दिखता है जो दूर है। तो दूर में मेरे को एक कार दिख रहा है, एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, सोलर पैनल्स लगे हैं, मतलब यहाँ से देखने में उतना क्लियर नहीं दिखता लेकिन इसके साथ दिखता है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टावर वॉक को, सो देखते हैं कौन कौन जाएगा। तो मम्मी नहीं तो पापा जाएंगे, और हमने इशू का देखते हैं, अगर इशू का ना, हमने यहाँ पे ये फाइव रिंगिट ईच कैन था तो हमने ले लिया, थोड़ा चीप था इसके लिए। और अभी जाते वो लिफ्ट आएगी, एक ही लिफ्ट चलती है टावर वॉक के लिए, सो लेट्स सी। सो गाइस वी आर शू चलो इशू। सो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं आराम से चलो टावर वॉक। सो ये हार्डनेस लगा रही है, वैसे उतना ज़्यादा हाइट है तो नहीं, कमी है। रुक जा, कहाँ जा रही है, पीछे आ। सो ये देखिए, हाँ रुक आराम से, व्यू एंजॉय करो। डर नहीं लग रहा? नहीं, मेरे को भी नहीं डर लग रहा। अच्छा चलो, हमारा होटल कहाँ? यस, वो रहा गाइस हमारा होटल, वही से हमको दिखता है। तो यस, और वैसे उतना कुछ खास हाइट है अभी नहीं, मतलब है तो, लेकिन उतना भी नहीं है। दुबई में अलग था, है ना? ग्लास होता ना तो बहुत डर लगता था। नहीं, कैसा लग रहा है इशू? वो पिलर्स है, कैमरा लगे,
ऐसे ही ताकि ध्यान रख सके अगर कुछ हो गया तो फिर। और ऋषि इधर घूमो, इसको हाय कर रही हो, कैमरा तो मेरी तरफ था। हाय गाइस, बस मजा आ रहा है। आप से मार सकते हो? पता नहीं, देखते वो रहा प्लैटिनम और वो रेजिस्टेंस होटल। मेरे को काहे लगेगा, तुमको लग रहा है? ग्लास है आगे, आगे ग्लास है। रुको, तो ये जो मैंने आपको ग्लास वाला दिखाया था, तो आगे ग्लास आ गया। रुक जा ईशु। तो ये आप जैसा देख सकते हो, ये है यहाँ पे हम लोग थे। और हाँ रुक जा, तो यहाँ पे हम लोग थे और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। डर लग रहा है मुझे तो। और ये रहा जो हम लोग ऊपर से देख रहे थे। बैठ नहीं सकते, दुबई वाले में लटक सकते थे। चलो चले, तुम आगे चलो। हाँ तो ये अभी ग्लास आ गया, ये रहा। वाह, मतलब अलग ही व्यू है। क्या है? हाँ ये टूटने वाला है, देखो। चलो चलो, काहे डर लग रहा है, साउंड इफेक्ट तो है। मैं आगे नहीं जा सकता ना, तो आगे फिर। वाओ ईशु, तो ये हम लोग वापस आ गए पूरा घूम के। हम लोग यहीं से शुरू किए थे और वापस आ गए हम लोग ऐसे ही, ताकि डर लगे तुमको। हाँ हाँ जरूर, तुमको तो क्यों ही डर लगेगा। चलो चल। अरे अरे अरे, हो गया ईशु। मजा आया? कितना मजा आया? सो गाइस, अभी हमारा हो चुका है स्काई वॉक, मज़ा आ गया। तो अभी हम लोग जाते हैं वापस, मज़ा तो आया।